दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बॉलीवुड की एक बहुत ही रेयर फिल्म लेकर आया हूं, जिस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज़ साहब ने भी एक बहुत ही खूबसूरत गीत गाया है। और यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस बहुत ही रेयर फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज़ साहब ने भी अपनी आवाज़ दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सन 1988 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है दुख दर्द। और इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज साहब ने बस एक ही गीत गाया। गीत के बोल हैं कितनी सादगी कितने दिलकशी। और इस बहुत ही बेहतरीन गीत को मोहम्मद अजीज साहब और अनुराधा पंडवाल जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत आलोक गांगुली साहब ने दिया। वैसे इस गीत को लिखा गौहर कानपुरी साहब ने। और यह गीत बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए एक झलक इस गीत की तरफ। तो दोस्तों यही बहुत ही रेयर फिल्म है दुख दर्द। और इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज साहब ने इस बहुत ही खूबसूरत गीत को अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने बस एक ही गीत गाया है और बाकी के जितने भी गीत हैं उन सभी गीतों को आशा भोसले, सुरेश वाड़कर, इसके साथ ही आरती मुखर्जी जैसे बॉलीवुड के इस नामी सिंगर हैं जिन लोगों ने अपनी आवाज़ दी है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने इसे बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत को अपनी आवाज़ दी है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को दुख दर्द फिल्म का यह बहुत ही रेयर सॉन्ग जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।